सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। इस वेले दी अहम खबर आ रही है अमृतसर तो। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ते हुए हमले दे बाद सूबे दी सियासत गरमाई हुई है। इंज लगदा है जिवें कोई भूचाल आ गया होवे। इस नूं लैके अज पंजाब भाजपा दे सीनियर नेतावां दे वल्लों गुस्से दे विच आ के अमृतसर दे कमिश्नर दफ्तर दा घिराव कीता ते कैप्टन सरकार दे पुतले फूके गए। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार रवनीत बिट्टू दे अजिहे बयान खिलाफ उन्हां दे तुरंत परचा दर्ज करे। अज भारतीय जनता युवा मोर्चा अमृतसर वल्लों साडे पंजाब दे युवा मोर्चा दे प्रधान श्रीमान बानू प्रताप जी की अग्रह से असी अज कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूक प्रदर्शन किया है। उसका एको ही कारण है, बीते दिनों साडे पंजाब भाजपा के अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी उत्ते जिहड़ा कातलाना हमला होया, यह हमला किसानों की आड़ च कांग्रेस के यूथ गुंडे द्वारा किया गया। असी केंद्र सरकार को मंग करते हाँ कि इस यूथ कांग्रेस के गुंडिया के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होवे ते नाल इस मसले की CBI की जांच होवे। ये गुंडिया के हौसले बहुत बढ़ चुके ने। ये यूथ कांग्रेस ने नवी परंपरा चालू की है। ये लोग साडे कार्यालय के बाहर कभी अग लगाने की कोशिश करते ने, कभी पत्थर मारते ने, तो ये लोग कभी टायर चलाते ने। तो असी मांग करते हाँ कि इस कांग्रेस सरकार के गुंडिया के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। तो नाल दे नाल मैं इस कांग्रेस के गुंडे चेतावनी देना वा कि जे अज तो बाद जे तुसी साडे परिवार दे किसे भी कार्यकर्ता साडे भाजपा दे किसे भी लीडर दे हमला करन दी कोशिश कीती तां साडे इक सीनियर लीडर ने बयान दिता सी कि आन के पैरां दे जान के शेटर दे, ते इस बयान नूं असी जरूर सिद्ध करांगे।